हेलो फ्रेंड्स, मैं सर निशांत कुमार सिंह, वेलकम यू ऑल टू रोड टू सक्सेस आईएएस पीसी प्रिपरेशन। हम लोग के इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आर एस शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी से कवर अप कर रहे हैं। आज जो हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, उसका नाम है स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम तीन पार्ट के अंदर कवर अप करेंगे। चलिए चालू करते हैं इसके पार्ट नंबर वन के साथ। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ईस्टर्न इंडिया के अंदर सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है और उसके कारणवश जो हमारी नई स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है और नए किंगडम्स का फॉर्मेशन होता है। इस चैप्टर के अंदर हमारा पहला टॉपिक है साइन ऑफ सिविलाइजेशन। क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं कि हम लोग कह पाएँ कि किसी इलाके के अंदर सिविलाइजेशन पनप रही है, सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सबसे पहला करेक्टरिस्टिक होगा कि उस इलाके के लोग बाओं को आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में नॉलेज हो, जो वहाँ की सोसाइटी है वहाँ कोई सिस्टम हो जिसके थ्रू वो लोग कलेक्ट कर पाए टैक्सेस को और मेंटेन कर पाए वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को। उस सोसाइटी के अंदर सोशल क्लासेस होनी चाहिए और साथ ही साथ उस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट लोग बाबू की पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कमांड होती है, जैसे रिलीजियस फील्ड के अंदर प्रीस्ट, ऑफिशियल्स रहेंगे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर, और मर्चेंट्स और आर्टिस्ट रहेंगे प्रोडक्शन फील्ड के अंदर। किसी भी इलाके को सिविलाइज कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होगी कि उस इलाके के पास होना चाहिए एग्रीकल्चरल सरप्लस। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस है तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसका एक पार्ट क्रिएटिव एक्टिविटी के अंदर फोकस कर सकता है, क्योंकि उसे अश्योर होगा कि उसको जो फूड सप्लाई है वो निरंतर मिलती रहेगी। क्रिएटिव एक्टिविटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वो आर्टिस्टिक एक्टिविटी, लिटरेरी वर्क के अंदर फोकस कर सकता है, जिसके थ्रू ट्रेड बढ़ेगी। ट्रेड बढ़ने से प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने से आपकी इनकम जनरेट होगी। इनकम बढ़ने की वजह से आप एक अच्छी और स्टैंडिंग आर्मी अफोर्ड कर पाएंगे। अब जितनी भी करेक्टरिस्टिक थे हमारे सिविलाइजेशन के, ये काफ़ी लंबे समय तक हमारा जो ईस्टर्न इंडिया का बहुत ही बड़ा हिस्सा है वहाँ नहीं पाए जाते थे। इस चीज़ को हम इतने पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिडल ऑफ 4th century AD तक कोई भी हमें ऐसा कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलता जो कि बताए कि ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये करेक्टरिस्टिक पाए जाते थे। जब मैं ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर कवर अप होते हैं हमारे ईस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका, उसके आसपास का उड़ीसा का इलाका, वेस्ट बंगाल का इलाका, बांग्लादेश और असम का इलाका। अब मिडल ऑफ 4th century AD से लेकर 7th century AD के दौरान ये सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया के इलाकों के अंदर पाए जाने लगते हैं। इस चीज़ को हम लोग इतनी छोटी के साथ इसलिए कह सकते हैं कि गुप्ता काल के काफ़ी सारे जो इंस्क्रिप्शन हैं वो इन इलाकों से पाए गए हैं, जो कि बताते हैं कि इन इलाकों के अंदर सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स की शुरुआत हो गई थी। अब जो इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं इन इलाकों से गुप्ता काल के, वो अधिकांश इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं लैंड ग्रांट्स के बारे में, और ये लैंड ग्रांट दी गई थी बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स को इन एरिया के अंदर। ये तो बुद्धिस्ट और ब्राह्मण बेनिफिशरी होते थे जिन्हें ये लैंड ग्रांट मिली थी। ये इस एरिया के अंदर अपने साथ साथ अपने इलाके का जो एडवांस कल्चर है वो भी लेकर आते हैं और इस इलाके के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, जिस कारणवश इन इलाकों में शुरुआत होती है सिविलाइजेशन की और उसके तहत आपकी स्टेट फॉर्मेशन चालू हो जाती है, नई किंगडम्स का उदय होता है। अब हम रीजन वाइज स्टडी करेंगे किस तरीके से इन इलाकों के अंदर सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। पहला जो हमारा रीजन होगा वो होगा उड़ीसा, ईस्टर्न और सदर्न मध्य प्रदेश का इलाका। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कलिंगा के इलाके को, जो कि हमारा कोस्टल उड़ीसा का इलाका है। ये जो कलिंगा का इलाका था ये महानदी रिवर के साउथ में पड़ता है। सबसे पहले कलिंगा का इलाका फोकस आता है आपके सम्राट अशोक के समय में, पर कलिंगा के इलाके के अंदर सबसे पहली स्ट्रांग स्टेट बनेगी आपकी 1st century BC के अराउंड, जो कि बनाई जाएगी राजा खरवेला द्वारा। ये जो खरवेला हैं ये चेरी डायनेस्टी को बिलोंग करेंगे और इनकी कैपिटल थी कलिंगा नगरी। अब 1st century AD से लेकर 2nd century AD के अराउंड जो हमारे कलिंगा के पोर्ट्स हैं उड़ीसा के अंदर जो पड़ते हैं, वहाँ काफ़ी व्यापक स्तर पर तेज़ी के संग ट्रेड चालू हो जाएगी। और इस जो ट्रेड हो रही है इसके अंदर ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे मुस्लिम के कपड़े, पल्स, मोती और आइवरी, यानी कि हाथी दांत के सामान। हम देख सकते हैं मैप के अंदर यह है कलिंगा और ये महानदी रिवर के साउथ में पड़ता है। अब हम लोग इतनी छोटी से इसलिए कह सकते हैं कि 1st century से लेकर 2nd century AD के अराउंड ट्रेड एग्जिस्ट किया करती थी कलिंगा के इलाके के अंदर, क्योंकि एक साइट है जिसका नाम है शिशुपाल नगरी, जो कि पड़ती है कलिंगा नगरी के अंदर। यहाँ जब एक्सकवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो काफ़ी बड़े स्तर पर रोमन ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं इस खुदाई के दौरान, जो कि साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि कलिंगा की ट्रेड हुआ करती थी रोमन एम्पायर के साथ। पर इस ट्रेड का खासा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे नॉर्दर्न उड़ीसा के इलाके के अंदर, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आइसोलेट रहा और वहाँ किसी भी तरीके की स्टेट फॉर्मेशन और ट्रेड एक्टिविटी नहीं देखी गई।
यहाँ ट्रेड एक्टिविटी और स्टेट फॉर्मेशन का काल चालू होता है जब समुद्रगुप्ता अपने टेन्योर के दौरान दो इलाकों को जीत लेते हैं, जिसमें से पहले का नाम है कोसाला और दूसरे का नाम है आपका महाकंटारा। जो कोसाला और महाकंटारा इलाके हैं, ये हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा को कवर अप करते हैं। इन इलाकों को जीतने के बाद इन इलाकों के अंदर जो सिविलाइजेशन करेक्टरिस्टिक हैं वो धीरे धीरे आने लगती हैं, जिस कारणवश सेकेंड हाफ ऑफ 4th सेंचुरी AD से लेके 6th सेंचुरी AD के दौरान काफ़ी सारी स्टेट्स का उदय होता है इन इलाकों के अंदर। इनमें से कुछ स्टेट्स को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहली है हमारी मठारास। मठारास को पितृभक्तास के नाम से भी जाना जाता है। यह अपनी पावर की पीक के दौरान, जो हमारी महानदी से रिवर से लेके कृष्णा रिवर के बीच का इलाका था, उस पर रूल किया करते थे। इन मठारास की किंगडम के आसपास काफ़ी सारे इनके नेबर्स भी थे, जो कि इसी ईस्ट इंडिया के इलाके के अंदर रूल किया करते थे, जिसमें से पहले हैं हमारे विशिष्टास। जो विशिष्टास हुआ करते थे, इनका जो इलाका हुआ करता था, जिस एरिया में रूल किया करते थे, वो था हमारा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर, या कह सकते हैं हमारे सदन कलिंगा का इलाका। वहीं जो दूसरी किंगडम थी उनका नाम था नालास। जो नालास हुआ करते थे, ये रूल किया करते थे जो फॉरेस्ट एरिया था हमारा महाकंटारा का, उसके ऊपर। ये आज की डेट का मॉडर्न छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का इलाका है। नालास का जो कोर एरिया था रूल करने का, उसके अंदर कवर अप होता था मॉडर्न बस्तर और कोरापुट। इनकी कैपिटल थी पुष्करी, जो कि मॉडर्न बस्तर में पड़ती है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगली किंगडम थी जो कि नेबर्स थी हमारे मठारास की, वो थे मानस। मानस जो थे, ये रूल किया करते थे हमारे जो कोस्टल एरिया है, जो महानदी रिवर के नॉर्थ में पड़ता है उड़ीसा का, वहाँ ये लोग रूल किया करते थे। कि जितनी भी किंगडम्स थी, इन लोगों के अपने खुद के सिस्टम ऑफ टैक्सेशन थे, एडमिनिस्ट्रेशन के, और मिलिट्री की भी अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि साफ तौर पर दर्शाती है कि यहाँ जो हमारा सिविलाइजेशन करेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरीके से फैल चुकी थी और जो स्टेट है उनका फॉर्मेशन हो गया था। अब इन इलाकों के अंदर जितने भी राजा थे, इन लोगों ने काफ़ी व्यापक स्तर पर लैंड ग्रांट्स दी थी ब्राह्मण्स को। साथ ही साथ इन राजाओं ने वैदिक सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करवाए थे। ये जो वैदिक सेक्रीफाइसेस इन राजाओं ने परफॉर्म करवाए थे, वो कोई स्पिरिचुअल मेरिट पाने के लिए नहीं करवाए थे, ये बेसिकली करवाए थे ताकि इनके रूल को लेजिटिमेसी मिले, इनकी पावर पड़े और इनके प्रेस्टीज में बढ़ावा हो। अब ये जो फेज़ है, इस दौरान कलिंगा में जो आपका एडवांस कल्चर था, ये कलिंगा से फैलते हुए जो बाकी उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ भी स्प्रेड हो जाता है। इस चीज़ का हमें प्रूफ इस तरीके से मिलता है कि जो नालास के गोल्ड कॉइन्स हैं वो पाए गए हैं बस्तर के ट्राइबल एरिया से। नालास के गोल्ड कॉइन साफ तौर पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो बड़ा ट्रांजिशंस हुआ करते होंगे, जो बड़े ट्रांजिशंस हुआ करते होंगे नालास की किंगडम के अंदर, वो फुलफिल किए जाते होंगे गोल्ड कॉइन से। साथ ही साथ जो ऑफिशल्स होते होंगे हायर्स, उनकी भी पेमेंट होती होगी गोल्ड कॉइन से। वहीं मानास की किंगडम के अंदर हमें काफ़ी बड़े स्तर पर कॉपर कॉइन मिले हैं। कॉपर कॉइन जो होते हैं वो होते हैं हमारे लोअर डिनोमिनेशन के, जो कि साफ तौर पे बताते हैं कि जो मेटल करेंसी का यूज़ था वो बहुत ही कॉमन था कॉमन मासेस आम जनता के बीच में। अब इन सब चीज़ों के अलावा जो किंगडम्स थी, इन्होंने नई फिजिकल यूनिट्स भी फॉर्म की थी ताकि इनकम बढ़ पाए इनकी। इसमें से एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देते हैं मठारास का। मठारास ने एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की थी जिसका नाम था महेंद्र भोगा। इसके अलावा वो एक रूल किया करते थे एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जिसका नाम था दंते वागु भोगा। दंते वागु भोगा जो डिस्ट्रिक्ट थी वो काफ़ी रिमोट एरिया और बैकवर्ड एरिया के अंदर पड़ती थी, पर वो उस पर रूल इसलिए किया करते थे कि उस डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी बड़े स्तर पर आइवरी और राइस ग्रिल जो होता था उसकी सप्लाई होती थी, जिसके थ्रू इनकी इनकम जनरेट होती थी। मठारास ने काफ़ी व्यापक स्तर पर डोनेशंस दी थी, दान दिया था, जिन्हें कहा जाता था अग्रहारास। अग्रहारास जो डोनेशन थी उसके अंदर कवर अप होती थी आपकी लैंड ग्रांट्स, और जो विलेज की इनकम होती थी वो भी उस डोनेशन के अंदर कवर अप होती थी। अग्रहारास डोनेशन इसलिए की जाती थी ताकि वो सपोर्ट कर सकें रिलीजियस एक्टिविटीज़ को और एजुकेशनल एक्टिविटी ब्राह्मण्स की। जो अधिकांश अग्रहारास डोनेशन होती थी वो टैक्स फ्री होती थी, पर कुछ केसेस में उन पर टैक्स भी लगाया जाता था और टैक्स पे किया जाता था। ये जो लैंड ग्रांट्स दी गई थी ब्राह्मण्स को, इस लैंड ग्रांट के थ्रू काफ़ी जो बड़ा एरिया था जिस पर आज से पहले खेती नहीं हुई थी वो कल्टीवेशन के अंदर आता है। ब्राह्मण्स अपने साथ जो एडवांस कल्चर की नॉलेज होती है, एडवांस एग्रीकल्चर की नॉलेज होती है, इस लैंड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और इस एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देने से पहले इस इलाके के अंदर जो पूरा ईयर हुआ करता था, साल हुआ करता था, वो
तीन यूनिट के अंदर डिवाइड होता था और हर यूनिट के अंदर 4 मंथ होते थे। ये जो क्लासिफिकेशन होता था ये हमारा सीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था, पर मिडल ऑफ 5th सेंचुरी AD के अराउंड इस क्लासिफिकेशन को मठाराज ने चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ जब लैंड ग्रांट्स हुई और उन्हें एडवांस नॉलेज हुई एग्रीकल्चर की, उन्होंने एक ईयर को डिवाइड कर दिया 12 लूनर ईयर्स मंथ के अंदर, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि उन्होंने डिटेल्ड नॉलेज ली वेदर की और मंथली अपनी एग्रीकल्चर को उस हिसाब से प्रैक्टिस किया ताकि उनके यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ पाए। जो हमारा उड़ीसा का कोस्टल एरिया है उसे राइटिंग की नॉलेज 3rd सेंचुरी BC सही थी, पर वो जो राइटिंग की नॉलेज थी वो थी प्राकृत भाषा के अंदर। अब 350 AD के अराउंड उड़ीसा के इलाके के अंदर संस्कृत नॉलेज भी, जो संस्कृत की लैंग्वेज की नॉलेज है वो भी चालू हो जाती है और वो अधिकांश उड़ीसा के इलाकों के अंदर धीरे धीरे फैलने लगती है। संस्कृत की जो एज अ लैंग्वेज नॉलेज है वो मात्र आपकी ब्राह्मणिकल कल्चर और रिलीजन को स्प्रेड करने के काम नहीं आती उस इलाके में। संस्कृत के अंदर उस इलाके के काफ़ी सारे प्रॉपर्टी लॉ और सोशल नॉर्म्स भी लिखे जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ जो किंग है उसे माना जाता है कि किंग को वर्णा सिस्टम को प्रिजर्व करना है और वर्णा सिस्टम को मेंटेन करके चलना है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे हमारे बंगाल के एरिया को। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।